हॉबीज क्या है आपकी? जी मुझे पिक्चर देखना बहुत पसंद है। कौन सी है फेवरेट? साजन चले ससुराल। क्या उम्र है आपकी? जी 16 साल। नाबालिग हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है न्यूटन मालूम है तुमको? मेरी ईमानदारी? ना, ईमानदारी का घमंड। अपनी ही ड्यूटी करने के लिए तुम चाहते हो लोग तुम्हें थैंक्स बोले। ये डंड करने है। माओस्ट इन्फ्लुएंस काफी हैवी है। फुल सिक्योरिटी मिलेगी। अगर पोलिंग बूथ पे माओवादियों ने हमला कर दिया तो? उस पोलिंग बूथ के इलेक्शन को हम रद्द कर देंगे और दोबारा वहाँ री इलेक्शन करवाएंगे। पिछले इलेक्शन में 19 लोग मारे गए थे। यहाँ तो मतदान केंद्र आज कई सालों बाद लगा है। यहाँ की कैजुअल्टी फिगर तो कल शाम को पता चलेगी। पता नहीं, मेरे पास 76 वोटर्स की लिस्ट है और इन सभी के वोट्स बहुत मायने रखते हैं। मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा वोट देने। लिख के दीजिए कोई नहीं आएगा वोट देने, मैं ये कलेक्टर ऑफिस में सबमिट कर देता हूँ। क्रिकेट खेलते थे बचपन में? बैट्समैन या बॉलर? एम्पायर। लगा मुझे। डाउन। पकड़िए। भारी है ना, ये देश का भार है और हमारे कंधे पे है। गांव में जाके सबको बोल दे वोटिंग हो रही है, आ जाए। नहीं, ऐसे ऐसे नहीं होता है, वोटिंग के कुछ रूल्स होते हैं। टुकड़ा जी, ये अंदर रखिए। इलेक्शन बूथ में तो ताश खेलने की पुरानी परंपरा है, डिपार्टमेंट में सस्पेंड होने की भी पुरानी परंपरा है। उधर काट वाले, वोटिंग मशीन एक खिलौने जैसा है, जो पसंद आए अच्छा लगे वो बटन दबा दो। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप, एक खिलौना नहीं है वोटिंग मशीन। आप चुप रहिए। इलेक्शन नहीं है, ऐसे किसी को भी वोट दे दो। सर कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता, सालों लग जाते हैं जंगल बनने में। मेरे से पहले, बहुत पहले भी एक न्यूटन था। पढ़ाई करते वक्त कभी उसकी बात समझ नहीं आई, पर अब काम करते वक्त आ रही है कि जब तक कुछ नहीं बदलोगे ना दोस्त, कुछ नहीं बदलेगा। एक बात बताओ, ये नाम किसने रखा था? मैंने रखा। क्यों? सर माँ बाप ने नूतन कुमार नाम रखा था, तो सब लोग बहुत मजाक उड़ाते थे। तो मैंने 10th के फॉर्म पे नू का न्यू कर दिया और तन का टन।